सबको खाते में खटाखट पैसा आएगा, सब वो निकालिए और बढ़िया से हरा भरा जीवन, खुशहाल जीवन बिताइए। ये नहीं कि योजना हुआ वह बंद हो जाएगा, चाहे ये मैया योजना बंद हो जाएगा, ये योजना चलते रहेगा और चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन जो सिलसिला है वो चलता रहे। खुशियों का उपहार, कोई बोलता है इसको मैया योजना, कोई बोलता है मैया योजना, मैया मतलब बच्ची लोग, हम लोग मैया बोलते हैं और लड़का लोग बाबू बोलते हैं। एक तो बाबू मैया हो गया, एक वो इसका कैबिनेट से लिए हैं, इसका नाम है मैया योजना। तो ये योजना के अंतर्गत सबसे पहले हम लोग 60 बरस उम्र वाले को सर्वजन पेंशन के माध्यम से पूरे राज्य भर में, पूरे जिला में सभी को जोड़ने काम किया। फिर 50 बरस से लेकर 60 बरस, अब ये नई योजना है 21 बरस से लेकर के 50 बरस। इसके पहले वृद्धा पेंशन लेने के लिए लोग लाइन लगे रहते थे, हम लोग भी पैरवी कर रहे थे BDO साहब के, तो बोलते थे भाई टारगेट नहीं है, हम लोग नया पेंशन नहीं दे सकते हैं, पंचायत सेवक बोला कि लक्ष्य नहीं है, कोई समझा को नहीं समझा। यानी जो हर्ता पूरा करता था 60 बरस उम्र का, 74-80-75 बरस का, उनको भी पेंशन नहीं मिलता था। लेकिन ये सरकार ने एक बहुत बड़ा अभियान चलाया कि जो हमारे घर में जो महिलाएं हैं, जो घर में बैठी हुई है, जिनको पास साप्ताहिक मार्केट करने के लिए 1 रुपया पॉकेट में नहीं है, कोई काम नहीं है, बाहर लग बारे सुनाएंगे। इसलिए सरकार का एक मन लगता है कि ऑल इंडिया में सिंगल स्टेट है झारखंड, जो 21 बरस से लेकर के 100 बरस तक हम बोल सकते हैं सबको पेंशन चालू किया है। हर घर में अब 5 महिलाएँ हैं, कहीं 7 है, कहीं 6 है, कहीं 4 है। हर समाज को प्रत्येक जिला में 1-1 लाख का भी टारगेट दिया गया है कि जितना जल्दी स्वीकृति कीजिए और सबको खाते में खटाखट पैसा आएगा, सब वो निकालिए और बढ़िया से हरा भरा जीवन, खुशहाल जीवन बिताइए। इसलिए हर व्यक्ति को चाहिए कि सरकार के जो योजना है उसमें जुड़िए, लाभ उठाइए, क्योंकि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि ये नहीं कि योजना हुआ वह फिर बंद हो जाएगा, चाहे ये मैया योजना बंद हो जाएगा, ये योजना चलते रहेगा और चुनाव आएगा, चुनाव जाएगा, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, लेकिन जो सिलसिला है वो चलता रहे। बहुत लोग नहीं बोलते कि वोट आ गया, वोट आ गया, वोट आने से क्या हो गया, वोट तो 12 घंटे का खेल है, 8 बजे से 4 बजे तक 1 पास बाकी सब फेल, क्या अगले बोल रहे हैं। तो वोट का अलग है, अभी हम लोगों का कि जो गरीब है, दलित है, शोषित है, पीड़ित है, विधवा है, नन विधवा है, कोई पति छोड़ दिया है, उनको लाभ कैसे मिले, इस दिशा में सरकार बेहतर योजना चला रही है। आप लोग हमारे सम्मानित मुखिया जी से, पंचायत समिति से, प्रमुख से, जिला परिषद से, BDO साहब, CO साहब से मिल करके हर लोग को लाभ दिलाने का प्रयास कीजिए। और जहाँ कोई त्रुटि है, कोई कमियाँ है, पहले था कि ऑनलाइन में दिक्कत हो रही थी, ऑनलाइन की सर्वर काम नहीं कर रहा है, अभी हमारा मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था, तो ऑनलाइन का तो कोई माए बाप है नहीं, तो होता है, लेकिन राज्य सरकार ने ऑफलाइन का प्रावधान किया है। इसके लिए धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोग देते हैं कि एक राहत सभी को मिला है, हमारे माताएं बहनें लाइन में लगी हुई है और सर्वर काम नहीं कर रहा है, तो उसको न मार सकते हैं, न पीट सकते हैं, तो एक बहुत बढ़िया एक उपलब्धि है। और एक व्यक्ति को, ये नहीं कि 15 तक जो ना समाप्त हो जाएगा, 17 तक समाप्त हो जाएगा, पूरा कार्यकाल चलेगा। जैसे हम लोग 60 बरस वाला आपको पेंशन लेने वाला नहीं बचा, बचा मुखिया जी? 60 बरस से कोई नहीं बचा, 50 से 60 बरस तक कोई नहीं बचा, अब 21 से लेकर के 50 तक एक भी महिलाएं कोई नहीं बचेगी, तब तक ये काम चलता रहेगा। ये बहुत बड़ा योजना है। ऑनलाइन में पूरा अफरा तफरी का माहौल था, ऑफलाइन हो गया है, शांतिपूर्वक सब लोग फॉर्म भर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर व्यक्ति का जो आशा और उम्मीद थी उनको सरकार के द्वारा कुछ न कुछ मिलना चाहिए। हम लोग हर तरह के योजना माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के प्रयास से चल रहा है और पूरे आम आवाम खुश भी है।